हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग J2 ब्लॉग की, जिसमें लगा हुआ है फाट लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं बिना कंप्यूटर के, तो देखते रहने पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले दोस्तों हमें वाईफाई से फ़ोन जो है कनेक्ट करना है। और वाईफाई से फ़ोन कनेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं दिखाता हूँ, यानी कि दिस डिवाइस वाज डिसाइड टू कंटिन्यू, यानी कि हमारी जो है पहले वाली आईडी दोस्तों मांग रहा है उसका हमें पता नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यानी कि बीच वाला इसका बटन दोस्तों दबाना है, यानी कि 12 है इसका दोस्तों फ़ोन का दोस्तों ऑन करना है। यानी कि दोस्तों मैं दबा देता हूँ, फिर दोस्तों स्क्रीन पर दोस्तों यानी कि एल बनाना है। एल बनाने के बाद दोस्तों फिर दोस्तों मैं एल बना देता हूँ, फिर दोस्तों 12 बैक सेटिंग का ऑप्शन दोस्तों आपको मिलेगा, दोस्तों इस पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों नीचे आना है, मैं दिखाता हूँ दोस्तों पहले हम दोस्तों क्या करते थे, यानी कि यहाँ से दोस्तों जो है हम FRP बाईपास यूट्यूब पर जाकर दोस्तों कर लिया करते थे। दोस्तों अब यूट्यूब दोस्तों अपडेट आ रहा है, दोस्तों वहाँ से FRP बाईपास नहीं हो रही। देख सकते हैं दोस्तों अबाउट पर गए और दोस्तों यानी कि सॉरी दिस पेज कैन नॉट बी फंड, यानी कि ये दोस्तों ऑप्शन मिल गया है। यानी कि दोस्तों पहले यहाँ से FRP बाईपास बड़ी आसानी से दोस्तों हो जा करती थी, अब दोस्तों यानी कि बिल्कुल अब बंद कर दिया दोस्तों, यहाँ से नहीं होती है। दोस्तों आज इस वीडियो में यही बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा आ रहा है तो दोस्तों कैसे FRP बाईपास करनी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो दोस्तों जरूर लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं दोस्तों यानी कि फ़ोन में हमें दोस्तों दो सिम लेने हैं, यानी एक सिम तो दोस्तों यानी कि ख़राब लेना है, उसमें दोस्तों दूसरे फ़ोन में डाल के यानी कि पिन लॉक लगाना है। पिन लॉक लगाने के बाद दोस्तों एक सिम ऐसे लेना है यानी कि चालू, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि सेव हो दोस्तों, यानी कि जिसमें एक एक सिम में तो दोस्तों यानी कि ख़राब सिम लेना है, उसमें दोस्तों पिन लॉक यानी कि दूसरे फ़ोन में डाल के पिन लॉक लगाना है। और दोस्तों एक सिम यानी कि अपना चालू सिम लेना है, जिसमें कॉन्टैक्ट यानी कि नंबर दोस्तों यानी कि सेव होनी चाहिए, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर सेव होनी चाहिए। दोस्तों ये दोनों नंबर दोस्तों अपने फ़ोन में यानी कि डालने हैं। एक नंबर तो हमने डाल लिया, जिसमें हमारा यानी कि सिम में पिन लॉक लगा हुआ, यानी कि फ़ोन को ऑन करते ही हमारा इस फ़ोन जो है लॉक स्क्रीन पर चले जाएगा। और दोस्तों एक नंबर ऐसा डाल लिया हमने चालू, यानी कि जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है फीड है। तो देखते हैं दोस्तों दो नंबर डाल के हमने दोस्तों फ़ोन ऑन कर लिया। फिर ऑन करने के बाद दोस्तों आपको इमरजेंसी कॉल पे जाना है। इमरजेंसी कॉल के बाद दोस्तों ये नीचे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों स्क्रीन लॉक यानी कि मांगेगा, जो सिम हमने दूसरा डाल रखा था उसका 1 2 3 4 मैंने पिन बना रखा, तो दोस्तों यानी कि ओके कर देना है 1 2 3 4 5 पे, तो हम कॉन्टैक्ट पर दोस्तों आ जाएंगे। फिर दोस्तों कॉन्टैक्ट नहीं आए तो दोस्तों आपको यानी कि सर्च पर यानी क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। देखते हैं दोस्तों यानी कि हमारे जो सिम के कॉन्टैक्ट थे दोस्तों, हमने जो डाले सिम डाला था दूसरा, तो वो सिम के यानी कि कॉन्टैक्ट बुझाना है। फिर दोस्तों कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, यानी कि कॉल लग जाएगी, कॉल फिर काट देनी है। फिर दोस्तों आपको मैसेज पे यानी कि एकदम से यानी कि क्लिक कर देना है, मैसेज पे यानी कि क्लिक कर देना, हमारा दोस्तों फ़ोन का जो मैसेज है दोस्तों वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से अपनी एक ईमेल आईडी दोस्तों यानी कि इस नंबर पे दोस्तों अपनी ईमेल आईडी एक लिख के यानी कि सेंड करनी है। तो दोस्तों दोस्तों मैंने ईमेल आईडी लिख ली और दोस्तों यानी कि सेंड कर देनी है। दोस्तों इससे लिंक बन जाएगा ईमेल आईडी का, फिर दोस्तों इस पर क्लिक करना है। फिर देखते हैं दोस्तों यानी कि ऊपर इस पर सेंड ईमेल पे दोस्तों आपको जाना है। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ एक तो ईमेल है और जीमेल का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों जीमेल पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। तो देखते हैं दोस्तों मैं जीमेल पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपको यानी इसे डन कर देना है। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ ऐड पे जाना है, फिर यहाँ आउटलुक हॉटमेल एंड लाइव पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों मैं दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ आपके पास यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट होता है दोस्तों वो अगर नहीं है तो दोस्तों आप पहले अपने फ़ोन से क्रोम से दोस्तों आप बना लें पहले, यानी कि क्रोम पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट दोस्तों यानी कि जो होता है दोस्तों उसे पहले आप माइक नोकिया में वो जो दोस्तों होता है उसे बना लें। और दोस्तों यहाँ अपना बना के दोस्तों आईडी और पासवर्ड दोस्तों डाल के यानी कि लॉगिन करना है, यानी कि साइनअप करना है। मेरा बनवा दोस्तों मैंने यहाँ डाल लिया, यानी कि अकाउंट डाल लिया और दोस्तों पासवर्ड डाल लिया, और दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद साइनअप कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है दोस्तों वो लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों बन जाता है दोस्तों, दूसरे फ़ोन से क्रोम में डालें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यानी कि वो डाल लें, और दोस्तों आप पहले वहाँ से बना लें और दोस्तों फिर इसमें डालना है। डालने के बाद दोस्तों यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों फिर ये पासवर्ड मांग रहा है, तो दोस्तों फिर देख सकते हैं दोस्तों यानी कि हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में हम देख सकते हैं दोस्तों यानी कि लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यानी कि दोस्तों नीचे क्लिक करना है टैग मी टू जीमेल पे दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट में जाना है, ऊपर यहाँ क्लिक करना है। फिर दोस्तों सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर दोस्तों 3 डॉट में क्लिक करना है, फिर दोस्तों मैनेज अकाउंट पे यानी कि कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे फ़ोन की जो सेटिंग होती है दोस्तों वो खुल जाएगी। खुलने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन में जाना है। दोस्तों एप्लीकेशन में बाद दोस्तों एप्लीकेशन मैनेजर दोस्तों पर जो है इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ फ़ोन की जो एप्लीकेशन है सारी वो दोस्तों आ जाएंगी। और आने के बाद दोस्तों गूगल ऐप का जो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है दोस्तों इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ अब
आपको दोस्तों यहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों मोर सेटिंग पे जाना है। फिर दोस्तों शो कार्ड जो लिख रहा है सबसे ऊपर दोस्तों इसे जो है ऑन कर देना। ऑन करने के बाद दोस्तों नो थैंक्स करना है। हमारा दोस्तों फ़ोन का जो है गूगल जो होता है दोस्तों वो खुल चुका है। फिर दोस्तों यहाँ से लिखना है सी एस, दोस्तों यहाँ लिखना है, मैं सी एस लिख लेता हूँ दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों नीचे क्रोम ब्राउजर दोस्तों आ चुका है। फिर दोस्तों वो हमारा क्रोम ब्राउजर दोस्तों ओपन हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद नो थैंक्स। फिर दोस्तों यहाँ से दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है दोस्तों। अगर मैं साइट डाल लेता हूँ बीके स्मार्टफोन, तो दोस्तों आपको साइट डालनी है बीके स्मार्टफोन, तो मैं साइट डाल लेता हूँ दोस्तों। इस साइट से दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, तो मैं साइट डाल लेता हूँ बीके स्मार्टफोन डाल के, यानी कि सर्च कर देना है। तो देख सकते दोस्तों सबसे ऊपर वाली साइट पे बीके स्मार्टफोन डॉट कॉम वाली पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। तो देख सकते दोस्तों यानी कि हमारी साइट दोस्तों खुल चुकी है। फिर दोस्तों गूगल अकाउंट बाईपास 2020 पे जाना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों यहाँ जाने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों 6 नंबर की जो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड 6 गेम दोस्तों, इस एप्लीकेशन को दोस्तों यानी कि अपने फ़ोन में दोस्तों डाउनलोड करना है। एक ये वाली एप्लीकेशन, एक दोस्तों सेकंड नंबर की जो एप्लीकेशन दूसरे नंबर की दोस्तों, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यानी कि डाउनलोड करना है। देख सकते हैं दोस्तों मैंने दोनों एप्लीकेशन डाउनलोडिंग पर लगा दी। फिर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो है एप्लीकेशन यानी कि दोनों डाउनलोडिंग यानी कि स्टार्ट होंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ डाउनलोड होने पर दोस्तों ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों एंड्रॉयड 6 वाली जो एप्लीकेशन है इसे सबसे पहले अपने फ़ोन में दोस्तों इंस्टॉल करना है। अभी देख सकते हैं दोस्तों डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों अपने फ़ोन में इसे दोस्तों सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों अनक्यून सिक्योर कर देना है। फिर दोस्तों अपने फ़ोन में दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसे डन कर देना है, यानी कि इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, इसे दोस्तों डन कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों मैं डन कर लेता हूँ। फिर दोस्तों दूसरे नंबर वाली जो एप्लीकेशन थी हमारी FRP बाईपास, उस एप्लीकेशन को दोस्तों अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन भी करना है। तो देख सकते दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों ऊपर जाना है 3 डॉट में, फिर ब्राउजर साइनिंग पर जाना है दोस्तों, यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ अपना नया गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल जो अकाउंट होता है दोस्तों, वो अकाउंट इसमें दोस्तों डालना है। यानी कि प्ले स्टोर की जो आईडी होती है दोस्तों वो नहीं है, तो दोस्तों आप पहले बना लें आईडी और पासवर्ड दोस्तों इसमें डाल लें। इससे क्या होगा दोस्तों हमारा पुराना अकाउंट जो हमारे फ़ोन में पड़ा था वो डिलीट हो जाएगा और नया अकाउंट हमारा दोस्तों इसमें दोस्तों ऐड हो जाएगा और हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके दोस्तों खुल जाएगा दोस्तों। फिर आपको यानी कि रिस्टार्ट कर देना है। तो रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों हम जो अपना फ़ोन में हमारा पुराना अकाउंट दोस्तों डिलीट हो चुका है और नया अकाउंट दोस्तों हमारे फ़ोन में दोस्तों सेव हो चुका है। और दोस्तों कहीं भी आपको वीडियो में दोस्तों प्रॉब्लम आती है तो जरूर हमें कमेंट में दोस्तों हमें बताएं, जरूर दोस्तों हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। दोस्तों हमारे चैनल पर आप दोस्तों नए हैं तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं यानी कि इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले दोस्तों हमारा यानी गूगल अकाउंट दोस्तों मांग रहा था फ़ोन, अब दोस्तों गूगल अकाउंट हमारा फ़ोन नहीं मांगने का और हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके खुल जाएगा, तो मैं एग्री कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यानी कि एग्री करने के बाद अब जस्ट ए सेकेंड यानी कि देख सकते हैं दोस्तों नोट नाउ, फिर दोस्तों यानी कि स्किप कर देना और हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके अब खुल जाएगा। यानी कि अब दोस्तों अकाउंट नहीं मांगने का, दोस्तों पहले दोस्तों अकाउंट मांग रहा था दोस्तों, अब बिल्कुल नहीं मांगने का और हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके खुल जाएगा। फिर दोस्तों मैं स्किप कर लेता हूँ इसे। देख सकते हैं दोस्तों सेटअप कंप्लीट। फिर दोस्तों मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों आपका फ़ोन बिल्कुल ओके खुल जाएगा। दोस्तों आपको फ़ोन अपना इसी तरीके से दोस्तों आपको फ़ोन अपना सही करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो। दोस्तों आप हमारे चैनल पर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।